हाय गाइस, मेरा नाम हैरिस। एंड दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारे अपडेट आया दोस्तों, बहुत सारे फीचर आया दोस्तों, बहुत सारे आइकन्स एंड थिंग्स ये सब को शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों अलग जगह। तो दोस्तों, वही सब क्या अपडेट आया है एंड कहां कहां पर चल दिया दोस्तों आइकन एंड कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं दोस्तों, वो सब आज के इस वाले वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। कुल 6-7 फीचर बताऊँगा दोस्तों, मैं आज 6-7 फीचर बताऊंगा जो शिफ्ट हुआ है। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला फीचर है वो है शॉर्ट्स का। दोस्तों, यूट्यूब में शॉर्ट्स का फीचर सबसे टॉप में हो गया है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों। ऊपर में शॉर्ट्स लिखा है, उसी में आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओपन हो जाएगा दोस्तों। एंड टिकटॉक टाइप से ही है, स्क्रॉल अप करना है दोस्तों, उसके बाद चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों, ये भी एकदम अच्छा अपडेट है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप ऊपर करके कर सकते हैं। ये था दोस्तों पहला अपडेट जो यूट्यूब में आया है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है, मतलब कि सेकंड अपडेट, वो आया है गेस्ट बटन में दोस्तों। पहले आपको अगर फुल स्क्रीन में करना रहता था अपने मोबाइल को, तो साइड में एक डब्बा टाइप सा आइकन था, उसे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब उसे आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल स्क्रीन में स्वाइप अप करेंगे दोस्तों, वीडियो के आइकन को क्लिक करके स्वाइप अप, तो वैसे ही दोस्तों फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड जैसे ही आप उसे ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे दोस्तों, तो वो वापिस से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। एंड दोस्तों, अब आपको इस तरह के पुराने तरीके से नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपडेट है ये दोस्तों। जो अगला अपडेट है, मतलब कि तीसरा अपडेट, वो है दोस्तों ऑटो प्ले का। दोस्तों, पहले ऑटो प्ले का बटन सब्सक्राइब बटन के नीचे रहता था दोस्तों। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, पहले ऑटो प्ले का बटन सब्सक्राइब बटन के नीचे रहता था दोस्तों, आप सब जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया दोस्तों। सबसे टॉप में दोस्तों ऑटो प्ले का बटन आ गया दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों। आप इसे फुल स्क्रीन करके भी कर सकते हैं दोस्तों, एंड नॉर्मल स्क्रीन रहेगा तब भी कर सकते हैं दोस्तों इसे टच करके। दोस्तों, बेसिकली से आपको फुल स्क्रीन करके मैं दिखा देता हूँ। फुल स्क्रीन करना है दोस्तों, उसके बाद साइड राइट साइड में देखिएगा दोस्तों, आपको ऑटो प्ले का ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें क्लिक करना है दोस्तों, उसके बाद आपका ऑटो प्ले ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है, यानी कि चौथा अपडेट दोस्तों, वो कैप्शन का है दोस्तों। पहले कैप्शन बटन को आपको अनेबल करने के लिए दोस्तों, पहले 3 डॉट में जाना पड़ता था, उसके बाद कैप्शन में क्लिक करके कैप्शन को ऑन करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अभी एक नया अपडेट आ गया दोस्तों, उसके तहत आपको सिर्फ लैंडस्केप मोड में रहेगा दोस्तों, नहीं तो फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली से दोस्तों टॉप में ही जहाँ पर ऑटो प्ले का बटन है दोस्तों, उसके साइड में ही कैप्शन का बटन मिल जाएगा दोस्तों, उसे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका कैप्शन ऑन ऑफ हो जाएगा दोस्तों। आपको ऑन करना है तो एक बार क्लिक कीजिए, ऑफ कर। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है, मतलब कि पांचवा अपडेट दोस्तों, वो है बेड टाइम रिमाइंडर दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया है दोस्तों, लेकिन जो क्रिएटर्स है दोस्तों, उनके लिए बैड न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों, जो बेड टाइम रिमाइंडर है दोस्तों, उसमें ऐसा होगा कि आपको वो एक टाइम रहेगा दोस्तों जो आप सेट किए रहेंगे, उसके रिमाइंडर भेजना चालू कर देगा दोस्तों कि अब यूट्यूब बंद कर दीजिए, आपका इतना टाइम हो गया, आप सो जाइए करके। तो दोस्तों, ऐसे रिमाइंडर आ जाएगा। आप पहले रात रात भर खेलते थे दोस्तों मोबाइल, मतलब यूट्यूब देखते थे दोस्तों, तो आपको पता नहीं चलता था क्योंकि आप लगातार देखते थे। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें आ गया तो हो सकता है कि क्रिएटर्स का वॉच टाइम घट जाए। तो दोस्तों, इसे अनेबल कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों। बेड टाइम रिमाइंडर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आइकन में जाना है दोस्तों, राइट साइड में जो आपका लोगो दिख रहा होगा उसमें क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको सेटिंग में क्लिक करना है दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग में। उसके बाद दोस्तों जनरल रहेगा दोस्तों, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सेकेंड नंबर में ही बेड टाइम रिमाइंडर मिल जाएगा दोस्तों, उसमें क्लिक करना है दोस्तों। उसमें क्लिक करने के बाद आप अपने आप से
मतलब अपने मन से उसमें टाइम सेट कर सकते हैं दोस्तों, आपको जितना भी टाइम सेट करना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आपको 9:30-10 बजे के आसपास का करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उतना टाइम तक सोना आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये भी अच्छा फीचर ऐड किया है दोस्तों यूट्यूब ने, उससे बहुत ही फ़ायदा है दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है चैप्टर। दोस्तों चैप्टर पहले टाइम स्टैम्प के नाम से था दोस्तों, एंड वो थोड़ा पहले अलग टाइप से था दोस्तों, लेकिन अभी नया टाइप का हो गया दोस्तों। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैप्शन क्या होता है, लेकिन मैं दोस्तों वीडियो दिखाता हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कैप्शन मैं यूज़ नहीं करता दोस्तों, सॉरी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। टेक्नो रूहेत सर यूज़ करते हैं, तो मैं उनके वीडियो में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि कैप्शन क्या होता है और कैसे यूज़ होता है एंड इसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों कैप्शन देखने के लिए, जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों मेरा वीडियो मतलब टेक्नो रूहेत सर का, साइड में आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा होगा दोस्तों, उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो वैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे दोस्तों। आपको साइड में चैप्टर्स भी लिखाया दिख रहा होगा। तो दोस्तों चैप्टर्स में बेसिकली ऐसा रहता है कि डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अलग अलग टाइम दिए रहते हैं, उसी हिसाब से रहता है दोस्तों। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस तरह से लिखते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, एंड ऐसे आप चैप्टर्स भी देख सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, टेक्नो रूहेत सर का इस साल में ही 3 मिलियन करवा देना दोस्तों। अगर मेरा तो इतना सपोर्ट नहीं आता दोस्तों इस वीडियो में मेरे चैनल के, लेकिन दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा व्यू आ गया तो ज़रूर से दोस्तों टेक्नो रूहेत सर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की ये वाली वीडियो होती है ख़त्म। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो होती है ख़त्म। एंड दोस्तों एक चीज़ मत भूलना कि टेक्नो रूहेत सर का हमें इस साल में ही 3 मिलियन सब्सक्राइबर पार करवाना है। एंड दोस्तों चलिए वीडियो होते ख़त्म एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।